वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी। आई होप कि आप लोग अभी तक के जो वीडियोस डाले गए हैं अकाउंटेंसी के बारे में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारे चैप्टर का नाम है, वो वीडियोस अच्छी तरह से देख रहे होंगे, लास्ट तक देख रहे होंगे। जैसे कि दो लास्ट के वीडियोस में मैंने बताया था, वैसे फिर से इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही क्रूशियल चैप्टर से आगे के जो तीन चार थियोरिटिकल चैप्टर है वो अकाउंट पूरा नया सब्जेक्ट है आपके लिए। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे मैंने आगे कहा, वैसे आगे के वीडियोस में कहा वैसे कि भाई कोई भी लैंग्वेज है तो उसे सीखने के लिए पहले हमें उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को सीखना पड़ता है। सेम गोज विथ अकाउंट्स। अकाउंट्स भी एक नई लैंग्वेज है, नए टर्म्स है, सारी चीजें नई है आप लोगों के लिए। आगे के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर्स वो, और जितना भी आगे का फ्यूचर का अकाउंट्स है, ट्वेल्थ का, उसके बाद का, कॉलेज वगैरह का, सबका बेस है ये इलेवेंथ के थियोरिटिकल चैप्टर। हालांकि कुछ सिलेबस फ्रेमिंग जो है या तो चैप्टर की सीक्वेंस है उसमें मुझे तो प्रॉब्लम लग रहा है आप लोगों के, सीबीएसई बोर्ड हो या जीएसईबी बोर्ड हो, सब में यही है कि भाई फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, उसकी प्रोसेस, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसकी ब्रांचेस, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इन सब के बारे में दिया है। अब जब ये सारी चीजें हम समझते हैं, या हम, मैं आपको समझाने जाता हूं, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर आपको जब समझाने जाएगा तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो सेकंड चैप्टर के हैं। जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी मैंने कहीं पे ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे डेटर, क्रेडिटर, असेट्स, लायबिलिटीज। आज के वीडियो में भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। जरूरी ही है ये टर्म्स यूज करना। विदाउट यूजिंग दिस टर्म्स वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग्स। ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस अगर मुझे समझाने हैं तो मुझे ये वर्ड्स यूज करने ही पड़ेंगे, पर ये वर्ड के जो मायने हैं, ये जो वर्ड के मीनिंग्स है, वो तो आपको सेकंड चैप्टर में दिए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है हमारा बेसिक टर्म्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है। तो जब तक आपको असेट्स, लायबिलिटीज जैसे टर्म्स क्या है उसका डेफिनेशन, उसकी मीनिंग नहीं पता चलेंगे, तब तक आप उसको रिलेटेड कंसेप्ट को कैसे समझ पाओगे। तो ये होना चाहिए था यहाँ पे, पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की जगह पे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए था और फिर ये सब चीजें आनी चाहिए थी, बट नेवर माइंड। भले हमारा सीक्वेंस अलग है, पर हमें कैसे पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ाना है, वो तो हमारे हाथ में ही है। तो पैरेलल वो जो टर्म्स है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा सेकंड चैप्टर के। भले फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पर सेकंड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो जानने जरूरी है, जिसे सीखे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, उसके बेसिक क्रॉक्स को नहीं समझ सकते, वो समझना जरूरी है, वो मैं आपको साथ साथ में समझाता जाऊंगा। लास्ट के दो वीडियोस में हमने क्या कवर किया है उसको मैं क्विक रिकैप दे दूं आपको। तो वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वी हैव सीन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फिर बीच बीच में हम साथ साथ में दूसरी बात भी लेते गए, इंटरनल यूजर्स क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर्स क्या होता है। पर अभी तक अगर मेनली देखा जाए तो हमने ये दो वीडियो लेक्चर्स के अंदर अकाउंट के वो जो सात आईएनजी वाले वर्ड्स है अकाउंटिंग के अंदर जो आते हैं, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग वाले, वो सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। मतलब उतना तो अब आपको क्लियर हो गया है कि अकाउंट में क्या करना रहता है। दोनों वीडियो लेक्चर्स में जनरली बार बार मैंने ये बातें बताई, क्योंकि यही सब हमारा बेस है, आगे के जो फ्यूचर के चैप्टर्स है वो यही सब है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैसा ही एक रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है बुक कीपिंग। अब यहाँ पे ये समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कोई कॉमन मैन है, कोई लेमैन है, कोई कॉमन पर्सन है, तो उसके लिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम होता है। पर क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है? क्वेश्चन ये आता है, बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है? तो अगर मैं आपको बताऊं, बोर्ड पे जो डेफिनेशन वगैरह लिखी है वो हम जनरल ऑब्वियसली देखेंगे, उसे समझेंगे, पर अगर मैं अपनी तरह से आपको बता दूं बेसिक कंसेप्ट, तो ये समझो कि अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म। अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म। अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही बड़ा टर्म है, एंड बुक कीपिंग इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। मतलब अगर मैं इसको मैथ्स के साथ थोड़ा सा रिलेट करूं, सेट थियोरीज के साथ, तो जो अकाउंटिंग है वो यूनिवर्सल सेट है, यू से जिसे हम डिनोट करते हैं,
और बुक कीपिंग जो है वो उसका सबसेट है। बराबर है। क्या आता है अकाउंटिंग के अंदर सर? सात चीजें आती है अकाउंटिंग में, फिर से याद कर लेते हैं एक बार। रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीजों से अकाउंटिंग होता है। आप जानते हो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, वो हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से समझे है। अगर नहीं आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा हो तो इसके लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, वो देख लीजिए, पढ़ लीजिए पहले वो दोनों लेक्चर, समझ लीजिए, फिर ही तीसरा लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अकाउंटिंग जो है उसमें टोटल सात चीजें की जाती है, पर बुक कीपिंग में सात हो गए, सातों चीजें नहीं की जाती, क्योंकि वो बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो बुक कीपिंग में क्या किया जाता है? सिर्फ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिकॉर्डिंग कर लिया, क्लासिफाई कर दिया, छोड़ दिया, खत्म हो गई बात। फिर आगे के जो तीन स्टेप्स है, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग और कम्युनिकेटिंग वाले, वो सिर्फ अकाउंटिंग में होता है, बुक कीपिंग में नहीं होता। मतलब अकाउंटिंग का काम क्या है? सिर्फ ट्रांजेक्शन इवेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है अकाउंट। अकाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, उसके बाद की प्रोसेस भी करता है, एनालिसिस करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करता है। जो लास्ट में भी मैंने दोनों वीडियोज में मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, ब्लड के रिपोर्ट वाला, डॉक्टर के रिपोर्ट वाला, कि अगर डॉक्टर कोई ब्लड का टेस्ट कराने हम जाते हैं और हमें सिर्फ इतना कह देता है कि भाई इतने प्लेटलेट्स है, इतने हीमोग्लोबिन है और ले जाओ ये रिपोर्ट, फिर क्या हमें पता है कि कितना होना चाहिए? क्या हमें पता है कि डिजायर्ड लेवल क्या है? क्या हमें पता है कि ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम कॉमन मैन है। वैसे ही बाकी सारे वर्ल्ड के जो कॉमन पीपल है, जिनको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, उसे सिर्फ आप रिकॉर्ड करके दे दोगे, लो भाई ये इतना परचेज पूरे साल का, इतना सेल्स, इतना प्रॉफिट, इतनी असेट्स है और इतनी लायबिलिटीज है, तो उनसे उनको क्या समझ आएगा? एक टेबल बना के उसमें जो पर्टिकुलर्स लिख के और अमाउंट्स लिख के आप दे दोगे, टोटल करके दे दोगे, ना बैलेंस करोगे, ना उस बैलेंस पर से कुछ परफॉर्मेंस इवेल्युएट करोगे, ना ही कुछ आप कंक्लूजन डिराइव करके दोगे, तो कॉमन मैन क्या समझ पाएगा? तो जो भी सारा टेक्निकल वर्क है, मतलब एनालिटिकल वर्क है, समझ आ रही है बात? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सब बैलेंस शीट को टैली कर लेना, दोनों साइड के टोटल इक्वल आ जाना, सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेने से काम खत्म नहीं हो जाता। एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो जाए, अकाउंटेंट इसे बंद कर दे, फिर भी इसके ऊपर प्रोसेस होती है, उसी को कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसे एंड रिजल्ट कहा जाता है। अकाउंट के एंड रिजल्ट कितने हैं? तो अकाउंट के एंड रिजल्ट दो है, एक है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, मतलब एक ऐसा अकाउंट की जिसमें से प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, और एक है बैलेंस शीट। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है बैलेंस शीट जिसमें से आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? असेट्स और लायबिलिटीज कितनी है। हर एक बिजनेस में दो चीजें होती है, एक होता है असेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। क्या होता है असेट्स? तो असेट्स मतलब हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स, असेट्स मतलब हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स, मतलब हमारे मॉनेटरी रिसोर्स, हमारी प्रॉपर्टी। असेट को दूसरे वर्ड में हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरीज है, मतलब मशीनरीज है, फर्नीचर है, जो सब हमारे बिजनेस में इंस्टॉल्ड है, अवेलेबल है। हमारी मार्केट में जो गुडविल है, मतलब ब्रांड इमेज है, जो इंटेंजिबल असेट है, दिखती नहीं है पर होती है, ये सब हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट ये शो करता है कि बिजनेस में असेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। तो असेट्स और लायबिलिटीज पर से क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजिशन किसी भी बिजनेस की। अगर किसी बिजनेस में असेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज के लिए, अगर किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट में असेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, लायबिलिटीज मतलब कर्जा, ये तो बेसिक वर्ड आपको पता ही, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर। असेट मतलब क्या? जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स है, जिसका ओनरशिप हमारा है, मैंने पैसा बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्ट करके जो रिसोर्सेज मैंने क्रिएट किए हैं, फिजिकल रिसोर्स और नॉन फिजिकल रिसोर्स, पर मेरे पैसे इन्वेस्ट करने से जो मेरे बिजनेस में वेल्थ क्रिएट हुई है उसे कहते हैं असेट, जिसका मैं सोलली ओनर हूं और मैं उसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूं और पैसे बनाने के लिए और इनकम जनरेट करने के लिए।
ऑसेट क्या चीज है भाई? वो एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स है, एक ऐसा मॉनेटरी रिसोर्स है जो हमें फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देता है और जो हमारा है, बराबर है। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज मतलब कर्जा, ऑब्लिगेशन टू पे, इसे कहा जाता है पेएबल। पेएबल मतलब द अमाउंट विच हैज टू बी पेड इन फ्यूचर, बाकी। तो इसमें क्या होता है, बैंक लोन होती है, बैंक से लोन ली है वो, क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स मतलब कौन, ऐसे लोग जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं। अब गुड्स क्या होता है, तो कभी गुड्स मतलब चीजें, जो बिजनेस, जो चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट का मैं बिजनेस कर रहा हूं, वो मेरे लिए गुड्स है। मैंने कहा ना ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स आएंगे, ये सब सेकंड चैप्टर के अकाउंटिंग टर्म्स है, गुड्स, असेट्स, लायबिलिटीज, इंटेंजिबल असेट्स, पेएबल्स, रिसीवेबल्स, ये सब सेकंड चैप्टर में आता है। पर कहां से पता चलेगा, सेकंड चैप्टर तो बाद में पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर में ये सब वर्ड्स आ रहे हैं। तो जो भी कहां पे थे हम, हाँ असेट पे, गुड्स पे। तो हमारे बिजनेस में जितने जितना भी इकोनॉमिक रिसोर्स है जो हमारा है, हमने पैसा इन्वेस्ट करके लगाया है, वो असेट्स है। और हमें जो लोगों को फ्यूचर में पे करना है, लोन के फॉर्म में क्रेडिटर्स को पैसा देना है, किसी से हमने उधार लिया होगा मनी लेंडर से तो उन्हें देना है, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी पे करने की बाकी है तो वो सब आउटस्टैंडिंग या पेएबल खर्चे है, ऐसी सारी चीजों को लायबिलिटी कहा जाता है। अब असेट और लायबिलिटीज को कंपेयर करने से किसी भी बिजनेस का क्या पता चलता है, फाइनेंशियल कंडीशन, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है, या तो जिसको दूसरे वर्ड में कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, बराबर है। तो क्या कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है जिसमें असेट्स ज्यादा है लायबिलिटी कम है, ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन को कहा जाता है सॉल्वेंट। और जो बिजनेस में असेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, इसे कहा जाता है इनसॉल्वेंट। सुनते हैं ना हम आए दिन न्यूज़पेपर में, ये कंपनी जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई, ये बिजनेसमैन बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्सी मतलब क्या, इनसॉल्वेंसी मतलब क्या? बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं कि ये पर्सन भाग गया, या ये जो है वो ये पूरी फॉर्म जो है वो बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो गई, इनके पीछे पड़े हैं लोग अपना पैसा लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए। तो इंसॉल्वेंसी, बैंकक्रप्सी, ये सब ऐसी सिचुएशन है बिजनेस की कि जहां पे बिजनेस में इतना लॉस हो जाता है कि हमारी सारी असेट्स अगर हम बेच भी दे, हम हमारी जितनी भी असेट्स है वो सारी बेच भी दे और उससे जो पैसा आता है उस पैसे से अगर हम हमारे कर्जे को, लायबिलिटीज पे करने की कोशिश करें तो भी लायबिलिटी अनपेड रह जाए। लायबिलिटीज इतनी ज्यादा है और असेट्स इतनी कम है कि सारी असेट्स अगर बेच दे तो भी हमारा लॉस नहीं भरेगा, पे होगा, लायबिलिटीज नहीं पे होगी। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है और जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है, आप सब पढ़ोगे ये सब डीएसटी में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, मतलब जिसमें सिंगल ओनर होता है, उसके अंदर अगर आपके बिजनेस की लायबिलिटीज अनपेड रह जाती है, मान लो मैं कोई बिजनेस चला रहा हूं और मेरे ऊपर 50 लाख का कर्जा है, मान लो मेरे ऊपर 50 लाख का लायबिलिटी है और मेरी बिजनेस की असेट 20 लाख की ही है, समझ आ गई बात? ये जो सिचुएशन है जिसमें असेट 20 लाख की है, लायबिलिटीज 50 लाख की है, कर्जा 50 लाख का है, इसको कहा जाता है इंसॉल्वेंसी। ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट कहते हैं। अब क्या होगा, मैं 20 लाख की असेट्स तो बेच ही दूंगा, बट ऑब्वियस है बिजनेस हो गया पूरा चौपट, बंद हो गया बिजनेस, असेट्स है ही नहीं तो बिजनेस कैसा, बिजनेस जो है वो तो असेट्स से चलता है। तो मान लो ये 20 लाख की असेट्स मैं बेच दूं और उससे क्या करूंगा, मैं लायबिलिटी पे करूंगा। अब सर ये 20 लाख की असेट बेच के भी क्या लायबिलिटी पूरी पे होगी? नहीं, कितनी लायबिलिटी अभी भी अनपेड रह जाएगी, 30 लाख की। तो ये जो 30 लाख की लायबिलिटी है वो मुझे अपनी पर्सनल असेट्स बेच के, बिजनेस की असेट्स तो बिक गई, बिजनेस तो पूरा बंद हो गया, खत्म हो गया, वाइंड अप हो गया, अब जो ये 30 लाख के कर्जदार है वो मेरे घर तक आ जाएंगे। और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो मैं अनलिमिटेड समझा रहा हूं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या। तो यही एग्जाम्पल में मेरी बिजनेस की 20 लाख की असेट्स मैंने बेच दी, अभी भी 30 लाख की लायबिलिटी बाकी है, समझ आ रहा है?
तो वो 30 लाख मुझे अपनी पर्सनल असेट्स बेच के भी पे करना पड़ेगा, बराबर है। पर मान लो मेरी सारी पर्सनल असेट्स भी बिक जाए, मेरा घर कार जो भी कुछ बैंक बैलेंस है सब मैं डाल दू उसमें, और तू भी अगर कुछ लायबिलिटी अनपेड रह जाती है, मान लो 30 लाख की लायबिलिटी बाकी है, मैंने घर बार सब बेच दिया, 25 लाख हुए बैंक बैलेंस वगैरह सब, कार बार 25 लाख भी मैंने पे कर दिए, पूरा मैं सड़क पे आ गया, तो भी 5 लाख बाकी रह रहा है ना। इस 5 लाख को पे करने के लिए क्या करो, मेरे पास कुछ है ही नहीं ना, बिजनेस के असेट है ना पर्सनल असेट है, मेरा जो भी था वो सब मैंने डाल दिया, तो ये 5 लाख अभी वेव कराने के लिए मतलब माफ कराने के लिए मुझे कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी, और कोर्ट मेरी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करेगी, वैल्यूअर आके चेक करेगा कि कहीं कुछ बचा तो नहीं है, अगर कुछ है तो वो बेच बाच के पे किया जाएगा, और जब ऐसा क्लियर हो जाता है कोर्ट को हाँ भाई अभी इस बंदे के पास कुछ नहीं है, पूरा कंगाल हो गया है अभी, फिर कोर्ट मुझे लीगली बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है। और एक बार कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी पर्सन को बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसके ऊपर जितना भी कर्जा है वो माफ हो जाता है, फिर उसके कर्जदार उसके क्रेडिटर्स उसके लेंडर्स उसको परेशान नहीं कर सकते या उससे पैसा नहीं मांग सकते, समझ आ रही है बात। तो बिजनेस के अंदर एक रॉन्ग डिसीजन, अगर आप सोल प्रोप्रेटरशिप बिजनेस चला रहे हो मतलब आपके अकेले का बिजनेस है, या पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हो पार्टनर से, ये दोनों टाइप ऑफ बिजनेस ऐसे है कि इसमें अगर बिजनेस में कुछ लॉस होता है तो उस लॉस के कंसिक्वेंसेस घर तक चले आते हैं, और बिजनेसमैन के साथ साथ उसके पूरे फैमिली को भी सफर करना पड़ता है, बराबर है। तो ये टॉपिक इसमें निकला तो मैं फ्लो में सब बोलता गया आपको बताता गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये कैसे ऐसा हो सर कि असेट और लायबिलिटीज में असेट ज्यादा हो, हम सोल्वेंट हो और कभी हमें इंसॉल्वेंसी का सामना ही ना करना पड़े? तो अगर ऐसा करना है तो हमें हमारे बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम बिजनेस के रिकॉर्ड्स को क्या करते रहना पड़ेगा, जानते रहना पड़ेगा, असेट और लायबिलिटीज का स्टेटस जानते रहना पड़ेगा, और इसके लिए एक सिस्टमेटिक अकाउंट लिखना पड़ेगा, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, वरना ऐसे ही ब्लाइंडली करते जाएंगे तो यही होगा। लुक एंड लिप प्रिंसिपल बिजनेस में यूज होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, एक होता है ब्लाइंड रिस्क और एक होता है कैलक्यूलेटेड रिस्क, वी हैव टू टेक ऑलवेज कैलक्यूलेटेड रिस्क इन बिजनेस नॉट ब्लाइंड रिस्क, क्योंकि ब्लाइंड रिस्क तो गैम्बलिंग में किया जाता है एंड बिजनेस इज नॉट अ गैम्बल, समझ आ रही बात। तो ये कैलक्यूलेटेड रिस्क लेने के लिए फ्यूचर में बैंकरप्सी फेस ना करनी पड़े, इंसॉल्वेंसी फेस ना करनी पड़े, सारी असेट्स हमारी बिक ना जाए, हमारा पूरा फैमिली ना सफर करे हमारे रॉन्ग डिसीजन से, इसीलिए हमें अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर उसका एनालिसिस करना चाहिए, टाइम टू टाइम जानते रहना चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसा है। ये तो एज अ ओनर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सबसे पहली अकाउंट की जरूरत तो किसे है, मुझे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, अकाउंट के दो तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर में पहले तो कौन आता है, ओनर आता है, फिर एक्सटर्नल यूजर में बैंक वगैरह आती है। अब सोचो कि ऐसा कोई बिजनेस है जिसकी सिचुएशन ऐसी है, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन इसकी एकदम अनसाउंड है, वीक है, ऐसा बिजनेस को हम कहते हैं सीक यूनिट या तो ब्लीडिंग यूनिट, लॉस करते जा रहा है कंटिन्यूअसली, बीमार है मतलब लॉस हो रहा है, हर साल लॉस हो रहा है, असेट्स कम होते जा रही है, लायबिलिटीज बढ़ते जा रही है, ऐसे यूनिट को क्या कोई लोन देगा? ऐसा यूनिट अगर कहीं पे किसी से गुड्स या असेट उधार लेने जाए तो कोई ट्रेडर सेलर डीलर क्या ऐसे बिजनेस को उधार पे गुड्स देगा? इसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या? जीरो। मार्केट में इसका क्रेडिट स्कोर क्या? जीरो। तो ऐसी सब सिचुएशन फेस ना करनी पड़े और बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही लॉस्ट ना हो जाए, इसीलिए हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना होता है, बराबर है। तो हम थोड़े टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, वी वर डिस्कसिंग अबाउट बुक कीपिंग। तो मान लो बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रख दू तो क्या मुझे ये सब चीजें पता चलेंगी? नहीं सर, सिर्फ रिकॉर्डिंग से काम नहीं बनता, रिकॉर्डिंग के साथ साथ उसके बाद के जो काम है एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, फिर उस इंटरप्रिटेशन से जो चीजें मिली है वो रिजल्ट को एंड रिजल्ट को, मतलब ये एंड रिजल्ट है फाइनेंशियल पोजिशन,
और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है, प्रॉफिट और लॉस ये एंड रिजल्ट है अकाउंट्स के, दो एंड रिजल्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू पी, हम हमेशा दो पी में हमारा इंटरेस्ट है, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। तो ये सारी चीजें उसके यूजर्स तक पहुंचाना, ये यहां जाके अकाउंट का काम खत्म होता है। तो बुक कीपिंग क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अभी मैंने कहा ना अकाउंट का एक पार्ट है, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है और ये सब सेट है, तो ये बुक कीपिंग है, ये जो है वो बुक कीपिंग है, और ये जो पूरा है ये है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, बराबर है। इसके अलावा भी और चीजें आती है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग के अलावा क्या आता है, समराइजिंग, फिर इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये जो तीन टास्क है ना सर, समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, वो नहीं होता बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग में सिर्फ क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करना होता है टर्म्स ऑफ मनी में, फिर रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं। तो बुक कीपिंग इज अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस, इट इज अ वेरी क्लेरिकल प्रोसेस। कोई जूनियर अकाउंटेंट होता है ना वो ये करता है, क्लर्क होता है वो ये करता है। इट इज ओनली डेटा एंट्री, सिर्फ डेटा एंट्री का काम, कि भाई वाउचर्स लिए, बिल्स लिए, डेबिट क्रेडिट किया, जो जो उसकी बुक से उसमें रिकॉर्ड किया, परचेज के ट्रांजेक्शन परचेज बुक में, सेल्स के में सेल्स बुक में, क्लासीफाई कर दिया, खत्म। फिर जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सारे अकाउंट्स को बंद करना, टोटल करना, ग्रेटर वाला टोटल दोनों तरफ लिखना, बैलेंस निकालना, उस बैलेंस पर से ट्रायल बैलेंस बनाना, उस ट्रायल बैलेंस पर से फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और फिर उसका एनालिसिस करना और उस पर से कुछ कंक्लूजन ड्राइव करना, ये बिजनेस कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट जो है वो अच्छा है या बुरा है, इंडस्ट्री की कंपैरिजन में प्रॉफिट कैसा है, कि भाई बाकी सब बिजनेसेस का, मेरे कंपटीटर का इतना परसेंट हो रहा है, मेरा कितना परसेंट है प्रॉफिट मार्जिन, और फिर ये इंफॉर्मेशन को उसके यूजर्स तक पहुंचाना। ये जो पूरी वाइड प्रोसेस है ना सर, ये अकाउंटिंग की है। अकाउंटिंग के पहले चार टास्क, टोटल सात टास्क है ना, तो पहले चार टास्क को समराइज कर दो तो वो बन जाता है बुक कीपिंग। पर बट बुक कीपिंग ये चार चीजों से क्या बनता है, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग प्लस, बुक कीपिंग में ये तीन चीजें जोड़ दो तो क्या बन जाता है, अकाउंटिंग, बराबर है। बुक कीपिंग नैरोवर कंसेप्ट, अकाउंटिंग वाइडर कंसेप्ट, बुक कीपिंग जूनियर अकाउंटेंट करता है, अकाउंटिंग सीनियर अकाउंटेंट या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। बुक कीपिंग इज अ टेक्निकल प्रोसेस एंड वाइल अकाउंटिंग इज अ एनालिटिकल प्रोसेस। इसमें इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी का यूज नहीं होता, क्योंकि क्लेरिकल काम है, आंख बंद करके भी कर सकते हैं। एक बार एक्सपर्टीज आ जाए कुछ साल का तो आंख बंद करके भी सिर्फ डेटा एंट्री कर सकते हैं, पर ये एनालिसिस वगैरह करने के लिए इट इज अ ब्रेनी प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ ब्रेनी प्रोसेस, इसमें इंटेलेक्चुअलिटी चाहिए, बराबर है। बुक कीपिंग इज अ फर्स्ट फेज, अकाउंटिंग इज अ सेकंड फेज। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें सिर्फ बुक कीपिंग नहीं करना है, हमें पूरा अकाउंटिंग करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को एंड यूजर्स तक पहुंचाना और उनको डिसीजन लेने में हेल्प करना, ये अकाउंटिंग है, बराबर है। क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंट के, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली इससे हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं अकाउंट के। इससे मैंने अभी कहा वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उससे प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। फिर ये जो मैंने असेट लायबिलिटी की सर एक एग्जांपल दिया उसे कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो बीएस मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। अभी मैंने कहा सबसे पहला अकाउंट का यूजर तो कौन है, ओनर,
बिजनेस का ओनर खुद अकाउंट का पहला यूजर है, क्योंकि उससे मेरे को पता चलेगा मुझे अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। मैनेजमेंट मतलब क्या? ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग जो करते हैं हम, जितने भी डिसीजन लेते हैं उसी को कहते हैं मैनेजमेंट। पूरा 12th स्टैंडर्ड में BST जो आप पढ़ोगे, बिजनेस स्टडी, पूरा 12th का मैनेजमेंट के बारे में ही है। तो एज अ ओनर मुझे डिसीजन लेने होंगे कुछ, कि मैं अपने इस बिजनेस को अब कैसे ग्रो करूं, लॉस कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर कैसे उस लॉस को कम करूं, कैसे मेरी असेट्स को बढ़ाऊं, कैसी लायबिलिटीज को कम करूं, कैसे मैं अपनी ब्रांचेस को एक्सपांड करूं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा करने से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मैंने लास्ट ईयर एडवर्टीजमेंट पे पीछे इतना खर्चा किया था उससे मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ा, उससे मेरा सेल्स कितना बढ़ा, ये सारी टेक्निकल चीजें है सर, यही तो सब एनालिसिस है अकाउंट्स का। अकाउंट लेकर लेके बैठ के ये सब करना पड़ता है, उसमें से ये सब जैसे वो कर्ड में से उसको पूरा ऐसा घुमा के उसमें से बटर मिलता है, जितना उसको स्कीम करते हैं उतना उसमें से बटर मिलता है, वैसे ही अपने ब्रेन को स्कीम करके घुमा के उसमें से अच्छे अच्छे कंक्लूजन्स ड्राइव करने हैं। बराबर है? तो पूरा एनालिसिस का काम करेगा बिजनेस का ओनर, बुक्स ऑफ अकाउंट लेके बैठेगा, उस पर से कुछ इंपोर्टेंट डिसीजन लेगा वो, क्योंकि डिसीजन के लिए तो डेटा चाहिए, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कैसे डिसीजन ले सकते हम? डिसीजन का, कोई भी चीज के डिसीजन लेने का पहला आधार बेस है सफिशियंट इंफॉर्मेशन। हमें भी हमारी लाइफ का कुछ डिसीजन लेना है, करियर का कुछ डिसीजन लेना है, विदाउट एनी सफिशियंट इंफॉर्मेशन हम कैसे वो डिसीजन ले सकते हैं? बराबर है? देन प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर। अभी मैंने कहा दो तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर में आता है ओनर, एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल यूजर में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था बैंक, कस्टमर्स, हमारे बिजनेस में कुछ लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं तो इन्वेस्टर, हमें जो क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं वो क्रेडिटर्स, ये सब एक्सटर्नल यूजर है। वो भी तो जानना चाहेंगे आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजिशन, एंड इससे हमारे बिजनेस की असेट्स प्रोटेक्ट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी कहा ना ये सिचुएशन कब आई होगी, 50 लाख की लायबिलिटी हो गई और 20 लाख की असेट रही, ये कब हुआ होगा? जब बिजनेस के ओनर ने ध्यान ही नहीं दिया होगा अकाउंट्स पे, या तो अकाउंट्स बनाए नहीं होंगे, या तो हर साल अकाउंट्स बनाने के बाद उसका एनालिसिस नहीं किया होगा, सिर्फ बुक कीपिंग किया होगा, अकाउंटिंग नहीं किया होगा। अगर हम पता चल ही जाता है ना सर, वरना तो एक साल, दो साल, तीन साल असेट ऐसा तो है ऑल ऑफ सडन कम हो गई, धीरे धीरे असेट कम हुई होगी, धीरे धीरे लायबिलिटी बढ़ी होगी। तो अगर प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करोगे तो बिजनेस की असेट प्रोटेक्ट होगी, कभी इंसॉल्वेंसी फेस नहीं करनी पड़ेगी। बराबर है? और यही पूरा जो अकाउंटिंग है, जो अभी हमने सब डिस्कस किया, वो 7 ING वाले वर्ड्स, बुक कीपिंग जो है उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है, अकाउंटिंग में सब एनालिसिस वगैरह होता है, कंक्लूजन्स ड्राइव होते हैं, तो जो पूरा अकाउंटिंग का नॉलेज है वो जो सब्जेक्ट हमें देता है, उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग इज अ आर्ट, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जो हम ये करते हैं वो, और वो सब चीजों का नॉलेज हमें जहां से मिलता है, ये सारी अकाउंटिंग का जो नॉलेज हमें जो सब्जेक्ट देता है, जो सिस्टमेटिक नॉलेज है, जो सिस्टमेटिक बॉडी है अकाउंटिंग की, उसका नाम है अकाउंटेंसी। इसमें क्या आता है? वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की अलग अलग चीजें। तो आप जो पढ़ रहे हो अभी वो क्या पढ़ रहे हो? यू आर स्टडिंग अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम है, ब्रांच का नाम है, ब्रांच ऑफ नॉलेज जो अकाउंटिंग के साथ डील करती है। मतलब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग उसका कंसेप्ट है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग उसका कंसेप्ट है। बराबर है? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है और अकाउंटिंग उसका कंटेंट है। अकाउंटिंग के जितने भी वेरियस एस्पेक्ट है वो सबको एक कवर के अंदर डाल दे तो उस कवर का, उस हेड का नाम है अकाउंटेंसी। बराबर? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, अकाउंटिंग उसकी एक आर्ट, उसका कंसेप्ट, और अकाउंट्स मतलब क्या? वो लेजर टी शेप का जो मैंने आगे ड्रॉ करके बताया था। तो आज हमने यहाँ पे कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट डिस्कस किए, इसके अलावा भी इधर उधर की बहुत सारी बातें की, इधर उधर की तो नहीं थी, बहुत सारी रिलेटेड ही थी।
वी हैव डिस्कस बुक कीपिंग, वी हैव डिस्कस अकाउंटिंग, वी हैव डिस्कस अकाउंटेंसी एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बाकी रह नहीं जाता है. अब इस चैप्टर में जो बाकी रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में शायद ऑलमोस्ट हम सारे पार्ट कवर कर लेंगे. अब बचता है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. आज का ये वीडियो लास्ट तक देखिए, इसे समझिए, सेल्फ नोट्स बनाइए. आपका जो इस लेक्चर देखने के बाद जो असाइनमेंट है, होमवर्क है, वो है यू हैव टू राइट डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. जो हमने अभी ओरली सब डिस्कस किया वो आपको बुक में मिल जाएगा, नोट्स हमारी है उसमें लिखा है. ना मिले तो खुद से बना के लिखिए. यू हैव टू राइट डिफरेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. पूरा वीडियो देखिए, समझिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में. एंड टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच.